हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चॉइस सेंटर। आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 90% मार्क्स कैसे लाया जाए। देखिए, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करूं और एक अच्छे खासे परसेंटेज से पास नंबर लाऊं और पास करके दिखाऊं। ठीक है, देखिए, इससे पहले मैं एक मोटिवेशन लाइन यहाँ पर लिखा हूँ कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपका मेहनत कैसी थी। तो एकदम जी जान लगा कर मेहनत करना है। जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो बहुत जी जान लगा कर बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको क्या करना है, जी जान लगा के एकदम पढ़ाई करना है। आप 12th बोर्ड के लिए हो या 10th बोर्ड के लिए, दोनों के लिए सभी के सभी ये टिप्स है, अगर फॉलो करेंगे तो यू कैन डू इट, इसको आप फोड़ने में मददगार साबित होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद ऐसा करके मैं बोर्ड परीक्षा में 85% अंक हासिल किया है। आप स्क्रीन पर मेरे रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आगे की ओर चलते हैं कि अभी जो है आपके पास कितना समय बचा हुआ है। ठीक है, अभी तैयारी करने हैं तो देखिए, आपका मूल समय जो है जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और नवंबर है। अक्टूबर को मैंने क्यों अलग लिखा है, तो अलग इसलिए लिखा है कि देखिए, इसमें आपके जितने भी छठ पूजा हो गए, दिवाली हो गए, बहुत सारा इसमें पर्व आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा। और ये जो अक्टूबर महीना जो है इसी तरह गुजर जाता है पर्व त्यौहार में। तो हमारा जो मूल समय है तैयारी करने का, तो जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 150 दिन लगभग बचे हुए हैं अभी तैयारी करने हेतु। एक सटीक तैयारी करने हेतु कितना बचा हुआ है, 150 दिन, यानी कि 5 महीना आपके पास बचा हुआ है। 5 महीना में यदि आप चाह देंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, आगे देखते हैं कि इसका रणनीति क्या है, कैसे हमको तैयारी करना है। ठीक ना, देखिए आगे की ओर है। एक नंबर में रणनीति में हम शुरू करते हैं यहाँ सबसे पहले कि रीजन आपका क्या है। ठीक ना, रीजन क्या है, गलती से यहाँ लिखा गया है रीजन। ठीक ना, यहाँ के आपका रीजन क्या है पढ़ने का, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक ना, सबसे पहले। और दो नंबर में है कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको 70% लाना है, कि 80% लाना है, कि 90% लाना है, कि 85% लाना है। देखिए, कहते हैं कि सपने हमेशा जो है बड़े रखना चाहिए ताकि गिरते फिरते उसके नीचे वाला अचीव हो सके। ठीक है, पहले से ही आप सोच के रखे हैं कि हम बोर्ड परीक्षा में केवल फर्स्ट डिवीजन ला देंगे इतना परसेंट से, तो नहीं होता है। तो APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपनों तो वे हैं जो हमको सोने ना दे। तो इसमें से मान लीजिए अधिकतर स्टूडेंट का सपना यही होगा कि मैं 95% लाकर मैं स्टेट टॉपर या बिहार बोर्ड टॉपर बनूं। ठीक है, तो बनने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा कि ऐसे ही बन जाइएगा। हमारे कहने से या किसी कहने से आप टॉपर नहीं बनने वाले, आप टॉपर तभी बनोगे जब दिल से मेहनत करोगे, दिल से पढ़ोगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ रणनीति बनाए हैं, अगर उस नीति को फॉलो करते हैं तो मुझे आशा है कि जरूर आप बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा कैसे परसेंटेज के साथ क्या करेंगे, पास करेंगे और एक अच्छा जो है अपना नंबर जो है बिहार बोर्ड में दर्ज कराएंगे। देखिए, कैसे रणनीति बनाएं, रणनीति बनाने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट और आप में क्या कमी होता है। देखिए, टॉपर स्टूडेंट के पास भी NCERT बुक होता है और कुछ जो है प्राइवेट बुक होता है। ठीक ना, यही दो होता है, NCERT बुक होता है और प्राइवेट बुक होता है, सेम नोट्स होता है। यानी कि आपको जो जैव प्रक्रम पढ़ना है बायोलॉजी का पहला चैप्टर में और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, तो सभी के सभी टॉपिक तो सेम होंगे ना, सभी के सभी टॉपिक सेम होंगे, वही सभी टीचर पढ़ा रहेंगे, इनको भी वही टीचर पढ़ाते होंगे। मान के चलते हैं अगर एक क्लासरूम में है तो एक क्लासरूम का बंदा ही ना कोई टॉप करेगा अब में, तो आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो यूनिक बातें हैं, उसको हमको फॉलो करना है। अब देखिए, सेम टाइम है, आपके पास भी 150 दिन बचा हुआ है अब से, और टॉपर जो है उसके पास भी 150 दिन बचा हुआ है, और सेम टीचर भी हैं, क्या हैं, सेम टीचर हैं, और सेम पेपर होने वाला है आपका और इसका भी सेम पेपर, बस प्रश्न का अरेंज जो होता है इधर उधर होता है और सेट में अलग होता है, लेकिन सभी के सभी प्रश्न क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो आखिर जो आप हैं यानी कि यू और जो टॉपर स्टूडेंट है, इनमें और आप में क्या कमी रह जाती है, तो कमी कुछ नहीं रह जाती है, कमी बस यहाँ पे टाइम का है। ठीक है, आप टाइम पर मेहनत करते नहीं हैं, ये टाइम पर मेहनत करते हैं। आप थोड़ा सा समय को क्या करते हैं, टाल गल करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारा नौबत आ जाता है दिसंबर और जनवरी महीना वाला। इस समय हम सोचते हैं कि कौन से मास्टर के हम नोट्स पढ़ने हैं कि एक के दिन में हम बोर्ड परीक्षा में 450+ अंक ला लेंगे, तो ये कभी नहीं होता है। ठीक ना, ये कभी नहीं होने वाला है कि एक दिन पढ़ के बोर्ड परीक्षा में, देखिए एक दिन पढ़ कर बोर्ड परीक्षा आप पास जरूर कर सकते हैं, लेकिन 450+ नहीं आ सकता है। एक एग्जाम्पल है कि अचानक कहीं से आग लग गया, तो अचानक हम कुआँ
खोद कर आग को नहीं बुझा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमको बेहतरीन अंक चाहिए तो अभी से हमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, अचानक कोई काम नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका रीज़न क्यों है, तो रीज़न है पढ़ने का, रीज़न क्यों है, तो पढ़ने का रीज़न आपका यही है कि हमको बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, टॉप करना है। तो इसमें आप गोल बना लिए होंगे कि हमको 95% लाना है, ठीक है। तो याद रखना है ये थोड़ा सा लाइन कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे हैं जो हमको सोने ना दे। अब आइए कुछ रणनीति बनाते हैं, इसकी रणनीति जो है कि इस प्रकार हम करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरा जो खुद का रणनीति था, तो हम NCERT बुक को लगभग लगभग 3 बार पढ़े हुए थे एक चैप्टर को, और सबका आंसर लिखते समय, ठीक, आंसर लिखते थे, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो या समाज या आपका विज्ञान हो या आपका इंग्लिश हो, जितने भी NCERT के बुकें हैं वो सभी बुक को मैंने लगभग 3 बार स्टडी किया था, वो भी गहन स्टडी किया था, लाइन बाय लाइन स्टडी किया था, ठीक। उसके बाद यूट्यूब का सहारा था, यूट्यूब का हेल्प लिए, ठीक ना। उसके बाद अपना नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद सेल्फ स्टडी भी किए, तो सेल्फ स्टडी और हमारा नोट्स, यदि आप इसको लेते हैं तो परचेज करते हैं तो मुझे आशा है कि बोर्ड परीक्षा में आपके बेहतर अंक दिलाने में यह साबित हो सकता है, ठीक। यही है कि NCERT बुक को आपको फॉलो करना है, और जो मैं आपके वीडियो के माध्यम से नोट्स दूंगा उस नोट्स को आपको फॉलो करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे इधर आपका है, आगे है कि समय यानी पढ़ने का टाइम टेबल कौन सा होगा, पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल कौन है, बेस्ट टाइम टेबल कौन है, यानी कि पढ़ने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम टेबल होता है, रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें, ठीक ना, कि कब पढ़ा जाए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए पढ़ने के लिए कोई ऐसा समय नहीं बनाया गया है कि आप रात में ही पढ़िए, जब आपको समय मिलता है तब आप पढ़ सकते हैं। देखिए और काम के लिए आप टाइम टेबल बनाए, जैसे कि हमको मोबाइल कब चलाना है, ठीक है, दोस्त के साथ घूमने कब जाना है, तो हम लोग बनाते हैं कि पढ़ना हमको कब है, ठीक ना। पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता, जब आपको समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं। दोस्त के लिए गर्लफ्रेंड से कब बतियाना है ये टाइम टेबल बताइए कि रात को बतियाएंगे कि दिन को बतियाएंगे कि नहीं बतियाएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए आप टाइम टेबल नहीं बनाए तो बेहतर होगा, ठीक ना। आपको जब मौका मिले जितना दिल करे उतना दम 8 घंटा 9 घंटा दम दबा के पढ़िए, बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक आपको जरूर मिलेंगे। तो वो लाइन याद रखना है कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपका मेहनत कैसा था। थैंक यू।